नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। शास्त्रों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि शिव जी जितनी जल्दी अपने भक्तों को खुश करते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, इसलिए शिव जी की पूजा करते समय मनुष्य को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो सोमवार का व्रत बेहद ही सरल होता है, लेकिन इस व्रत को कुछ करने के कुछ नियम भी हैं। उन नियमों का पालन करना आवश्यक है। कई बार सोमवार के व्रत और पूजन में कुछ गलतियां हो जाती हैं और कहा जाता है कि इन गलतियों की वजह से व्रत का फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं सोमवार को व्रत करने के नियम और साथ ही जाने पूजा में कौन सी गलतियाँ ना करें। आपको बता दें कि सोमवार का व्रत तीन प्रकार का होता है। इसमें साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार शामिल है। तीन ही व्रत का विधि विधान और पूजा के नियम एक ही समान है। इनमें एक बार भोजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में न करें ये गलतियाँ। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना गया है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे, लोटे या बर्तन में न डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रहता। ऐसे कई लोग हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितनी ठंडा किया जाए उतना ही भगवान शिव खुश होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर भूल कभी धूप बत्ती न लगाए। दीपक या धूप को शिवलिंग और मूर्ति से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाए। जहाँ से दूध बहता है वहाँ रुक जाए और वापस घूम जाए। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी न दूध डालें, उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नज़र रखे, चोरी, जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी की उनके परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आए मेहमान का निरादर ना करें। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण न करें। भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन हमेशा सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने, अन्यथा आप हरा, लाल, सफ़ेद, केसर या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग काफ़ी प्रिय है।